सितारगंज के गांव कुबरपुर सिसैया में हुए गोलीकांड से मचा हड़कंप। बताया जा रहा है कि मछली पकड़ने को लेकर हुए विवाद में कुछ हथियारबंद लोगों ने एक युवक की घर में घुसकर की मारपीट और कई राउंड फायरिंग में युवक के बड़े भाई के सीने में लगी गोली, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही चार अन्य लोगों की भी आई गंभीर चोटें। फायरिंग की घटना के बाद एसपी सिटी देवेंद्र पिंचा ने भी क्षेत्र का मुआयना करते हुए गांव में भारी पुलिस की तैनाती और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का किया गठन। सितारगंज के गांव कुबरपुर सिसैया निवासी इंद्रराम पुत्र कल्लूराम का बैगुल डैम पर मछली पकड़ने को लेकर चार लोगों से विवाद हो गया, जिसके बाद हमलावरों ने मौके पर इंद्रराम की पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद हमलावर उसके घर धमके। पीड़ितों का आरोप है कि हमलावरों ने आते ही गोलीबारी शुरू कर दी और करीब 10 राउंड फायरिंग करने के बाद आरोपियों ने वहां मौजूद अन्य लोगों को भी लाठी डंडों से पीटा। फायरिंग में इंद्रराम का बड़ा भाई चंद्रपाल भी गंभीर रूप से घायल हो गया और मारपीट में बबलू प्रेम स्वरूप और यशपाल तथा प्रेमवती घायल हो गए। घायलों को सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया गया, जहाँ उपस्थित डॉक्टर रविंद्र सिंह ने बताया कि हमने एक व्यक्ति चंद्रपाल नाम को यहाँ से हल्द्वानी के लिए रेफर कर दिया है, क्योंकि उसको चेस्ट में गोली लगी थी। प्रेमवती नाम की महिला जिसको गुम चोटें लगी हैं और इन्हीं के साथ बबलू यशपाल प्रेम स्वरूप को गंभीर चोटें आई हैं, इनको उपचार के दौरान घर भेज दिया गया है। इसकी सूचना इन लोगों ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी दे दी है। स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा जाँच की जा रही है। वहीं CO सितारगंज सुरजीत कुमार ने बताया कि कुबरपुर सिसैया में मछली पकड़ने को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें दोनों पक्षों में मारपीट व फायरिंग हुई, जिसमें एक पक्ष को गोली लगी है जिसके हल्द्वानी रेफर किया गया है और खतरे से बाहर है। पीड़ित पक्ष के तहरीर ले ली गई है। आरोपी की धरपकड़ को टीमें गठित कर दी गई हैं। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से गाँव में पुलिस तैनात कर दी गई है। कहाँ रहती हैं? क्या हुआ था यहाँ अभी कुछ देर पहले? लड़ाई हुई वहाँ से, भज्जर पड़ गई। इधर लोगन में से आए, मोमडन में से आए, उधर वहाँ से बिरिया से आए ठाकुर लोग गाड़ी। मतलब किस चीज को लेकर लड़ाई हुई? मच्छी के चक्कर, मच्छियों के चक्कर में। आधे पे मरवा रहा हूँ मच्छी, आधे पे मरवाएंगे अनिल ना मच्छी। गोली किस किसने चलाई यहाँ के? यहाँ अनिल ना और एक लड़का और मुसलमान में गई मोमडन में से आए जी। अनिल, अनिल कौन है? ठाकुर है, बिरिया में आए ठाकुर। उसने गोली चलाई? ये उसने चलाई, एक और लड़का था उसको पहचान नहीं पाया। अरे अस्पाक का लड़का था एक। हाँ, अस्पाक। अरे हमारे पास सबसे पहले तो एक 5:30 बजे एक पेशेंट आया था चंद्रपाल, इसके पिता का नाम कल्लू है, कुबरपुर से रहने वाला है। इसके चेस्ट पे गन शॉट इंजरी है। इसके हमने प्राइवेट ट्रीटमेंट के बाद आगे हायर सेंटर के लिए रेफर किया है उपचार के लिए। इसके बाद इसके साथ के है ये चार लोग आए हैं, जिसमें एक महिला और तीन मेल पेशेंट हैं। इनके कुछ चोटें हैं, इनको इलाज कर दिया गया है और ट्रीटमेंट के बाद इन्हें डिस्चार्ज किया गया है। किस जगह किया ये? हमने हल्द्वानी के लिए रेफर किया है, क्योंकि कोरोना की स्थिति में अभी कई हॉस्पिटल नहीं है, तो हमने बेस हॉस्पिटल के लिए एडवाइस करके इन्हें हल्द्वानी के लिए रेफर किया है। कुछ सर पुलिस रिपोर्ट हुई क्या? हाँ, पुलिस इनके साथ आई थी और हमने सब पुलिस को सूचना भी दे दी गई है और पुलिस आगे अपनी कार्रवाई करेगी। ऐसा है, ये सिसैया कुमारपुर गाँव है, वहाँ पे एक इंद्रपाल नाम का लड़का, वो वहाँ मछली निकालने को उसमें देखने गया था। वहाँ पे उसने किसी की मछली चुरा ली, उसको देख लिया, उसको पकड़ के उन्होंने मछली रख के उसे भगा दिया। उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। फिर वो रास्ते में उसके पिताजी मिले, उससे उन्होंने हाथापाई की। उसके रेप्लिकेशन में वो आज शाम को वहाँ गाँव में जाके उन्होंने मारपीट की। एक पता चला है कि एक फायरिंग हुई है, उसमें एक घायल है लेकिन सुरक्षित है, डेंजर से बाहर है। उसमें हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं, जिन जिन के भी नाम पता चलेंगे उनके खिलाफ़ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।